Good evening, everyone. All right, so namaskar, namaskar, everyone. Kaise hain aap sab log? How is everyone doing? So guys, welcome to the late night newspaper analysis where we discuss the Hindu paper on a daily basis at 11 o'clock. रोज रात को हम लोग 11 बजे हिंदू पेपर डिस्कस करते हैं. आप सबका स्वागत है. हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू टू आवर सेशंस? हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू टू आवर सेशंस गाइस? कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? एनीवन हियर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? आई शिवानी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू. चलिए, वेलकम टू द लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस वी डिस्कस द हिंदू पेपर एंड दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. आई बीन टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी द लास्ट 4.5 years. देन मैं बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना एंड हैव अपीयर फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन थ्री टाइम्स. आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे एंड ऑन फॉलोइंग मी यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट ऑल ऑफ माई अपकमिंग क्लासेस एंड द कोर्सेज. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है. ऑलराइट, एनीवन हियर हु विशेस टू जॉइन अनअकैडमी प्लस सून? कोई है यहाँ पे ऐसा जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के फिराक में है जल्द ही? राइट, शिवानी आप ज्वाइन करना चाहती हैं? सो गाइज, जितने भी लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं या सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, सो गाइज प्लीज ज्वाइन सून बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप. राइट, आपको पता ही है प्राइसेस वैसे तो बढ़ चुकी हैं, बट इस समय आपको टिल टुमारो यू आर गेटिंग जीएस के साथ ऑप्शनल फ्री. यू आर गेटिंग जीएस के साथ ऑप्शनल फ्री फ्रॉम 1st of November. यू वुड बेसिकली बी यू विल हैव टू पे सेपरेटली फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल. वट एवर यू डू, चाहे आप आज लें, कल लें, परसों लें, वट एवर यू डू, यू कैन यूज द रेफरल कोड VCSIR VCSIR फॉर अ 10% डिस्काउंट. ठीक है ना, अगर आप चाहते हो 10% यानी कि 10% डिस्काउंट, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड VCSIR फॉर द सेम. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. गुड इवनिंग सिद्धि, वेलकम. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज आर्टिकल. आज के आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल, 3 किल इन फ्रेंच चर्च अटैक. राइट, दिस वॉज अ वेरी वेरी सैड इवेंट. ये हमने कल भी देखा था. नाइफ अटैकर हु बिहेडेड अ वुमेन शॉट बाय पुलिस व्हाइल बीइंग डिटेन्ड. सो अ नाइफ, नीस, नाइस जगह है, NICE, नाइस, नीस भी कहते हैं उसको. वहां पे आपका अल्लाह अकबर शॉट करते हुए एक आपका नाइफ वेल्डिंग अटैकर ने 3 लोगों को मार दिया. सो इनसाइड द चर्च. सो दिस सीम्स टू बी अ, यू नो, आपका इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट अटैक ऑन दी फ्रेंच. अच्छा, ये बताइए, फ्रेंच जो है, राइट, फ्रांस जो है उस, व्हाट काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म डज फ्रांस हैव? व्हाट काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म डज फ्रांस हैव दैट हैज अ लॉट टू डू विद व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग? हाँ, सो देयर इज अ टोटल सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. देयर इज नो क्रिश्चियन, नो रिलीजन ऑफ द स्टेट. And people are not allowed to practice the religion publicly also. It's a personal affair. Okay, publicly आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते ऐसे. So therefore there's a lot of antagonism among some of the Muslim people there. And that has been translated into this kind of a attack there, that some of the fundamentalists there have killed people. So this is the kind of issue which is there. And therefore, they are, there's a big problem which is happening in terms of the affairs in France. So, France mein वैसे तो आपका वो भी लगा दिया गया है. I'm sure you guys know curfew has also been put in France because of Corona crisis also, as well as because of the violence potential which is there because of these issues. Next, PLA upgrading troops quarters ahead of winters. So, China ka People Liberation Army has outlined plans to upgrade the living condition along the borders in the high altitude region of LAC, line of actual control. Why is this being done? Kyun kar raha hai aisa? Winter is coming. Right, bilkul.
आप देख सकते हो सेल्फ इंजीनियर एनर्जाइज इंसुलेटिंग केबिन्स बनाए जाएंगे इन प्लेसेस वेयर द आउटडोर टेम्परेचर इज ऑन -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ही ऑप्रेसिव है, वहां पे नॉर्मली आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। सो न्यू थर्मल इंसुलेटिंग डिवाइसेस फूड स्टोरेज के लिए वगैरह ये सब आपके चाइना वहां पे अपग्रेड कर रहा है। इज इंडिया ऑल्सो डूइंग द सेम? यस, इंडिया वुड ऑल्सो बी डूइंग द सेम बिकॉज ऑब्वियसली यार ऐसा कुछ नहीं कि भाई चाइना को ही ठंडी लगती है, इंडिया के इंसान इंसान है, उनको भी ठंडी लगती है। ठीक है ना, वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड, वी आर वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट, लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च, इज दिस अ पॉजिटिव साइन इज इट अ नेगेटिव साइन? क्या ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, देयर इज अ राइज इन स्टील इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल आउटपुट। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो हमारा कोर सेक्टर है वो काफी श्रिंक कर रहा था, बट वो श्रिंक करने का रेट जो है वो कम हो गया है, समझ रहे हो आप? ठीक है ना, ओके, प्रोडक्शन लगभग -25, -20, -15 डिग्री से कम हो रहा था। नाउ द इंडियाज 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर श्रैंक जस्ट 0.8%, राइट? सो देयर इज अ, हाँ, देयर इज अ डिमिनिशिंग इन द रेट, करेक्ट। सो जो रेट है वो आपका रेट जो है वो बेटर हो रही है, तो -25 डिग्री से -10 डिग्री के करीब पहुंची होगी, -1 डिग्री करीब पहुंच गई है। ठीक है, ये 8 सेक्टर जो होते हैं, राइट, ये कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? डू यू गाइस नो द 8 सेक्टर्स? 8 सेक्टर्स इंक्लूड थिंग्स लाइक स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, फर्टिलाइजर्स, ऑयल, राइट, सीमेंट, नेचुरल गैस। तो ये सब चीजें हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट, राइट, 8 ऑफ दी सेक्टर्स आर देयर। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इज IIP हैविंग 100% वेटेज ऑफ दी योर कोर सेक्टर? नो, 40% ऑफ दी IIP वेट इज गिवन टू द कोर सेक्टर। ठीक है ना, द कोर सेक्टर बेसिकली वेज 40% ऑफ दी IIP इंडेक्स। नेक्स्ट, सेंटर सेट्स अप कमीशन टू टैकल NCR पॉल्यूशन। तो भैया ये जो EPCA था जो 22 साल पहले इशू किया गया था, हम लोग पढ़ते जा रहे थे EPCA, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। एंड अ न्यू बॉडी हैज बीन ब्रॉट इन थ्रू ऑर्डिनेंस व्हिच अवेट्स द फॉर्मल परयूजल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो डिसॉल्विंग द 22 ईयर ओल्ड EPCA दैट हैज सो फार एड्रेस द पॉल्यूशन इन दिल्ली सेंटर कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट बॉडी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट गाइस, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया आपको बनाया गया है। एंड ये आपके दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, UP के जो आपके एरियाज होंगे इनको यहाँ पे आपका फाइन वगैरह जो है उसको इशू करने के लिए इट विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एंड द मेन इशू इज टू एड्रेस दी एयर पॉल्यूशन। सो अभी तक ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है ना, एंड इट अवेट्स अ फॉर्मल परयूजल By the Supreme Court before it can be brought into effect. Panel में क्या होगा? Panel will have at least 6 permanent members and will be headed by a former or incumbent secretary to the government of state or a chief secretary of a state government. So बहुत ही senior official होने वाले हैं। I hope you guys can understand, right? Secretary तो सबसे एकदम अब retirement के पास secretary बनते हो या chief secretary भी आप retirement के पास बनते हो, ठीक है? So, या तो फॉर्मर या तो कोई सर्विंग चीफ सेक्रेटरी, राइट, या फिर आपका फॉर्मर या प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी द चेयरमैन। EPCA वॉज लिखा तो है यहाँ पे EPCA एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी वॉज EPCA, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट, वी वुड नॉट लाइक मीडिया टू क्रॉस इट्स बाउंड्री सेज हाई कोर्ट। सो कोर्ट जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ केस है उसके लिए एक आपका PIL को हेयर कर रहा था एंड रेफरिंग टू द रिपोर्टेज बाय द मीडिया द बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट वी वुड नॉट लाइक द मीडिया टू क्रॉस इट्स बाउंड्री एंड वी वुड लाइक दैट इट लाइक
will also like to be within our boundaries. Is what they are trying to say is that that you know wo media trial should not happen. What is media trial, guys? Kya hota hai media trial? Have you heard of this term, media trial? Bataiye guys, what is media trial? हाँ, मीडिया जब राइट आपके सब जुडिस चीजों को जो अभी अभी जिसका जस्टिस नहीं मिला है अपनी मर्जी से अपने एविडेंसेस दिखा करके आप आपके मीडिया बताने लग जाए, घोषित कर दे कि भाई ये आदमी सही है कि गलत है, ठीक है ना, अपने आप ही जजमेंट देने लग जाए, तो दैट बिकम मीडिया ट्रायल, ठीक है ना. सो इज दैट अ पॉजिटिव थिंग, इज इट अ गुड थिंग टू डू? क्या मीडिया ट्रायल अच्छी चीज होती है? So it you know it may not be a good thing to do because you know for first of all a person is innocent until proven guilty and the guilt जो है वो court में establish करनी चाहिए. Public के eye के सामने अगर आप establish करोगे तो it might lead to mob lynching, it might lead to mob violence, it might lead to you know even justice might be affected. Supreme Court judges might get affected by the public sentiment. So ये सब चीजें थोड़ी negative होती हैं. So हाँ भाई हाफ ट्रूथ वगैरह भी इससे स्प्रेड हो सकते हैं. इट कुड इवन लीड टू स्प्रेड ऑफ हाफ ट्रूथ्स. सो कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट बाय नवंबर 6 इफ सच रिपोर्टेज एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोब एंड सब्सिक्वेंट ट्रायल एंड इफ द कोर्ट शुड इशू गाइडलाइंस ऑन मीडिया रिपोर्टिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट आर्टिकल, अब एडिटोरियल हम लोग बाद में करेंगे. एक कल का भी एडिटोरियल है वो भी हम लोग करेंगे. विल डू दैट ऑल्सो. But let's first finish the remaining articles for today. आजकल काफी कम लोग आ रहे हैं. I am a little एकदम से कम हो जा रहे हैं लोग. कभी कभी एकदम बढ़ जा रहे हैं. इतने कम तो मैंने कभी सुने ही नहीं लोग हमारे क्लास में. पता नहीं. I have no clue. चलिए. Right. So Kerala bars Ayush cure prescription for COVID-19. ठीक है. So Kerala government has barred qualified Ayush, Ayurved, Yoga. आया prelims के बाद एग्जाम से लोगों का वो हो गया है. हमको नहीं देना एग्जाम. पता नहीं क्या हो गया. चलिए nonetheless. Ayurved, Yoga, Naturalpathy, Yunani, Siddha and Homeopathy doctors जो हैं. So Kerala government has barred qualified Ayush doctors from placing advertisement and prescribing drugs to cure COVID-19. ठीक है. So, याद रखिएगा कि इट्स नॉट दे आर नॉट सेइंग कि हम आयुष के जो हैं आपके ड्रग्स हैं उनको बैन कर रहे हैं. दे आर जस्ट सेइंग कि क्योर कर देंगे ऐसी चीजों को आप मत करें बिकॉज दैट इज इनकरेक्ट. आर यू गेटिंग? ठीक है ना. सो द थिंग इज दैट इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से आप मार्केट कर सकते हो. यू कैन मार्केट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर. यू कैन से दैट इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे आप बेटर इम्यून होगे, वो सब चीज ठीक है. ठीक है. बट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट एज अ cure to COVID-19, that is incorrect. You know, that is half truth and that is your fake news ki tarah se aap spread karke, it is profiteering. It is an aapka kya kehte hain najayaz fayda utha karke aap profiteer kar rahe ho. Theek hai na. So the court order bhi aapka aaya tha which was also claiming that state government was not allowing homeopathy and other ayush branches to be used in the battle against pandemic. But yahi bola gaya hai ki यू नो कि आपके जो मेडिसिन हैं उसको आप मार्केट नहीं कर सकते एज अ क्योर. करेक्ट. इट्स एन अनएथिकल मार्केटिंग. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रिसर्च करो, रिसर्च लाओ. अगर आप उसमें प्रूव कर पा रहे हो रिसर्च के बाद कि ड्रग से क्योर होता है COVID-19 तो बिल्कुल यार हम करेंगे. बट अगर जब तक नहीं है तब तक आप इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से ही उसको बता सकते हो. इंडिया अपसेट बाय कश्मीर डिपिक्शन ऑन सऊदी नोट. So India on Thursday described the map of Kashmir in a new currency note of Saudi as a gross misrepresentation of sovereign territory. So Anurag Shrivastav ji ne bola hai ki bhai hum log diplomatic level pe Riyadh se isko lekar ke will get it resolved. So we have conveyed our serious concerns to Saudi Arabia both through their ambassador in New Delhi as well as in Riyadh for the gross misrepresentation of India's external territorial boundary on an official and legal banknote of Saudi Arabia and asked Saudi for taking अर्जेंट करेक्टिव स्टेप्स इन दिस रिगार्ड. ठीक है ना. सो उन्हें चेंज डिड दे मेक द चेंज? हाँ. सो दे मेड द चेंज. ऑब्वियसली दे हैड टू मेक द चेंज. तो सऊदी इज यू नो काइंड ऑफ
नॉट एंटागोनिस्टिक टू इंडिया. सो इंडिया सऊदी रिलेशंस काफी यू नो अच्छे हैं, देयरफॉर इट्स यू नो हमें बात वो मान लेते हैं, प्रो है इनफैक्ट. ठीक है, सो उसमें गड़बड़ी ये दिखाई थी कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का रीजन जो है वो पाकिस्तान वो इंडिया के अलग दिखा दिया था. ठीक है, सो इट अपीयर्स टू डिप्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर एरिया यू नो वही क्या कहते हैं आपका सेपरेट एंटिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल टुगेदर. सो इंडिया ने बोला भाई नहीं तो हमारा टेरिटरी है. ठीक है, 20 रुपए का नोट जो है सऊदी अरेबिया का उसमें ये निकल के आया था. सो 20 रुपए या जो 20 रियाल कहते हैं उसको, नॉट रुपए, रियाल. ये तो उनने वो तो प्रिंट इसलिए किया गया ना, इट्स प्रिंट क्यों किया गया था बाय द वे बताइए. प्रिंट क्यों किया गया था, एनी आइडिया? हाँ, बेसिकली इट वॉज प्रिंटेड टू सेलिब्रेट सऊदी प्रेसिडेंसी ऑफ G20. तो डिप्लोमेसी, इट वॉज बेसिकली फॉर दी आपका इंडिया को वो करने के लिए, खुश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, बट वो उल्टा पड़ गया उन बेचारों पे. तो ठीक है, बट एटलीस्ट दे हैव एग्रीड टू द मिस्टेक दैट दे मेड एंड दे हैव मेड द करेक्टिव एक्शंस. तो दिवाली गिफ्ट था जो दे हैव नाउ मेड द करेक्टिव एक्शन आफ्टर आर डिप्लोमेसी. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है, व्हाई इज दिस स्पैट बिटवीन टर्की एंड फ्रांस, कोई बता सकता है? वैसे अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बट व्हाई डू यू थिंक दैट टर्की और फ्रांस में दुश्मनी चल रही है? स्पैट मतलब लड़ाई झगड़ा. वही प्रॉफिट फोटो वगैरह जो है उसको लेकर के वन ऑफ द रीजंस इज वो आपका यू नो दैट टर्की थोड़ा हार्डलाइन स्टैंड ले रहा है एंड फ्रांस जो है उसके जो डिसीजन हैं वो टर्की को लग रहा है एंटी मुस्लिम है. ठीक है ना, एंड दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट. बट उससे पहले का अगर आप देखो मेडिटेरेनियन में टर्की वर्सेस ग्रीस के इशू में ग्रीस को सपोर्ट किया फ्रांस ने, वो एस्पेक्ट समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वहां से एक्चुअली डेवलपमेंट चीजें चल रही है. सो लेट्स सी, टाइज हिट अ न्यू लो आफ्टर पेरिस डिफेंडेड प्रॉफिट्स कार्टून. ठीक है, रिलेशंस बिटवीन फ्रांस एंड टर्की टू नेटो मेंबर्स हिट अ न्यू लो दिस मंथ आफ्टर योर एर्दोगन लॉन्च अ पर्सनल अटैक ऑन फ्रेंच इमैनुअल मैक्रोन. राइट, बिकॉज इमैनुअल मैक्रोन ने बेसिकली इस टाइप के स्टेटमेंट दिए कि जिसमें इंटरप्रिटेशन वॉज दैट इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहिए वगैरह. ठीक है ना, हाय सौम्या. सो वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू आर्टिकल्स, वी आर नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल्स, देन वील हैव एडिटोरियल्स रिमेनिंग. ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड टर्की बड़े इस समय बुरे हो चुके हैं, बिकॉज इस समय इमैनुअल मैक्रों ने बोला इस्लाम को अब रिफॉर्म करें एंड टर्की इज़ लाइक नहीं इस्लाम एकदम सही है, कोई इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, इस टाइप के थोड़ा सेंटिमेंट चल रहा है. ठीक है, ओके, नाउ टर्की एंड फ्रांस हैव क्लैश्ड ओवर नंबर ऑफ जियोपॉलिटिकल इशू इन द रीसेंट टाइम्स. ये तो सबसे लेटेस्ट है. ठीक है, द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट क्लैश वॉज द फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द चार्ली हेबडो द सटायरिकल मैगजीन हुज ऑफिस वॉज अटैक बाय अलकायदा लिंक जिहादीज इन जनवरी 2015 ओवर इट्स पब्लिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ कैरिकेचर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, सो वो रीपब्लिश किए जा रहे थे उन कार्टून वगैरह की, तो उस रीपब्लिश करने की वजह से लोग एकदम से आक्रोश में आ गए. पीपल बोले कि आपने यू नो प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती कैसे कर दी. ठीक है, नाउ अंकारा जो है अंडर एर्दोगन हैज इट्स प्रोजेक्टेड एज अ डिफेंडर ऑफ मुस्लिम्स एंड देयरफॉर दे हैव बेसिकली स्लैम मिस्टर मैक्रोंस यू नो क्या कहते हैं पुश और डिमांड फॉर पुश फॉर रिफॉर्म ऑफ द इस्लाम. ठीक है ना, ओके, सो आई होप यू गाइस नो द होल स्टोरी. दो इतना स्टोरी का कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं है, बट यू शुड नो दैट एक यू नो एक मिडिल स्कूल टीचर थी, यू नो अगर सो मिडिल स्कूल टीचर थी जिनको जिन्होंने आपका यू नो हु वाज बीहेडेड बाय अ 18 ईयर ओल्ड you know Chechen after he showed his students caricature of the prophet. So teacher tha. So there was a teacher, right, who basically was beheaded by a 18 year old student, right? So after that there has been a lot of crackdown on the Islamist organizations, and Mr. President Macron has also said that you know that reformation, as I mentioned, reformation of Islam has to be done. तो इस कंटेक्स्ट में टर्की के जो लोग हैं स्पेशली दी
हेड ऑफ टर्की हैज नॉट एक्सेप्टेड दीज काइंड ऑफ रिमार्क्स. ठीक है, द मेन थिंग इज द जियोपॉलिटिकल एंगल. सो एक चीज तो चलो ये कार्टून वगैरह तो चले जा रहा था, बट द प्रॉब्लम इज दैट अंडर मिस्टर एर्गोडन टर्की इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस टू द ओटोमान आपका ओटोमान टेरिटरी. सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी इज दैट इट इज ट्राइंग टू री काइंड ऑफ क्लेम इटसेल्फ एज द डिफेंडर ऑफ इस्लाम एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश समथिंग लाइक एन ओटोमान एम्पायर एज इट वॉज बिफोर वर्ल्ड वॉर टू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है ना. तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो ऑटोमैन एम्पायर था उस टाइप का ये चाहते हैं कि भाई हाँ हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें. ठीक है, एंड फ्रांस हैज नॉट बेसिकली एक्सेप्टेड दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन बिकॉज फ्रांस को लग रहा है ये तो बड़ा ही गलत है. ठीक है ना. ओके सो दिस इज द फंडा. एंड हाँ, एज आई टोल्ड यू in the east mediterranean turkey has launched a gas exploration and therefore has clashed with your greece. theek hai, aur us context mein greece ko support karne kon aaya hai? france. dusri cheez dekhiye, dusra conflict kaun sa chal raha hai? armenia azerbaijan ka. armenia azerbaijan ke isme turkey kisko help kar raha hai? azerbaijan ko. turkey is supporting the azerbaijan while your क्या कहते हैं आपका मिस्टर मैक्रोन और द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज बेसिकली स्लैम्ड द स्टेटमेंट्स बाय टर्की इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग योर अजरबैजान. तो आप समझ पा रहे हो. सो टर्की और फ्रांस जो है वो अपोजिंग पोल्स की तरह से निकल के आ रहे हैं इस समय विद इन नेटो. अजरबैजान एंड फ्रांस हैव बिकम वेरी वेरी एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट. अभी तक लगता था कि यू नो ओके आपका टर्की जो है वो एंटी यूएस है. ठीक है, राइट. सऊदी प्रो यूएस हो रहा है. ठीक है, ईरान एंटी यूएस है, दैट इज फाइन. यूएस के कंटेक्स में देखते थे. अब फ्रांस एक नया पोल निकल के आ गया है. तो नए प्लेयर्स फ्रांस इज ऑल्सो ट्राइंग टू एसर्ट इटसेल्फ. व्हाई? देखिए, व्हाइल फ्रांस द यूज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इज ट्राइंग टू एसर्ट इटसेल्फ अंडर मैक्रॉन Erdogan, which is new Ottoman French policy, is ready to pick a fight whenever it sees an opportunity. Isn't this a very interesting term? New Ottoman foreign policy. What does this mean? Basically, एक टाइप से रेनेसांस टाइप की सिचुएशन आ रही है आपके इस समय टर्की में. टर्की wants to, you know, bring back the old, trying to convert churches back into mosques. समझ पा रहे हो? Trying to you know. have emotive ideas such as अरे nationalism on the basis of race. हम ottoman empire वाले लोग हैं, हम ottoman वाले लोग हैं. देखो हमारे हमारा पुराना जो इतिहास है कितना strong था. let us bring back those emotions back. so it is trying to bring about a nationalistic ideas on the basis of this ottoman empire of the past. and इस context में clash हो रहा है इस समय. like china wants to claim the whole asia, वैसे turkey is trying to claim control over एंड यू नो द बेसिकली कि भैया ये वो बन जाए खलीफा टाइप का हो जाए इनको. पीपल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट देम एज द हेड ऑफ द इस्लाम वर्ल्ड. बट डू थिंक दैट गोना हैपन? डू थिंक इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो दैट गोना हैपन? वो नहीं हो पाएगा. वो कोशिश पूरी करेंगे बट ये नहीं हो पाएगा. कोशिश पूरी करेंगे वो हो नहीं पाएगा. लेकिन नहीं देयर इज अ बिकॉज द थिंग इज सी आपका सऊदी अरेबिया वगैरह काफी स्ट्रांग है. सऊदी अरेबिया वगैरह काफी स्ट्रांग है. दे वुड काउंटर दीज थिंग्स. सो इसलिए भाई यूट्यूब वीडियो. हाँ भाई चलिए नेक्स्ट आर्टिकल. हाँ बिल्कुल कुनाल. इंपीरियलिज्म इज नाउ डन बाय मनी रादर देन आर्मीज. करेक्ट. बाय द वे गाइस, जितने भी लोग प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आई एम टेकिंग अ वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स एट प्रेजेंट मॉर्निंग 9 AM. सुबह के 9 बजे मेरा हिस्ट्री कोर्स चल रहा है आजकल. एंड दैट कोर्स बेसिकली इज क्या कहते हैं उसको, हाँ इज अबाउट आई थिंक 2/3 ओवर. बट आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो. एंड टुमारो वी आर स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 1. सो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर यू नो डूइंग वर्ल्ड वॉर 1 देयर. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ वॉज वर्ल्ड वॉर 1 फॉट, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, रिपरकशंस एंड थिंग्स लाइक दैट,
सुबह 9 बजे मिलते हैं आपसे प्लस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट वाइडेंस टू 9.1 लाख करोड़, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? या वाकिफ, बिल्कुल आप आ जाइए लाइव सुबह आ जाइए 9 बजे, 9 AM। हाँ बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट इज योर उधार और योर बोरोइंग। सो फिस्कल डेफिसिट स्टार्ट हैज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग टू अराउंड 115% ऑफ द बजट टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। CGA का डेटा निकल के आया है, ओके। तो CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ये डेटा निकल के आया है, एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो भी आपका 1.125% ऑफ दिस ईयर टारगेट हो चुका है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड ओनली, राइट, इट एक्सपेक्टेड है क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा बोरो कर रहे हैं, वी बोरिंग अलॉट लॉट बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग अलॉट, खर्चा बहुत हो रहा है। नेक्स्ट, रुपी स्लाइड्स एज वायरस रैटल्स EU स्टॉक्स फॉल। अच्छा, सो करेंसी जो है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में 74 डॉलर रुपीज टू अ डॉलर हो चुकी है। सो करेंसी इज राइट नाउ एट अ 2 मंथ लो एट 74.1 रुपीज टू 1 डॉलर, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए आप मेरे को, दैट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया, राइट, डिटरमाइंड बाय मार्केट और बाय द RBI? इज द एक्सचेंज रेट, इट्स बाय द मार्केट, मार्केट डिटरमाइंड है, राइट, नहीं नहीं, हर मंथ RBI नहीं करता है, इट्स मार्केट डिटरमाइंड, ठीक है, मार्केट डिटरमाइंड है। ओके, नाउ Do you want me to explain how exchange rates function? कैसे एक्सचेंज रेट appreciate करते हैं, depreciate करते हैं? I think कुछ लोग तो जानते हैं, काफी लोग नहीं भी जानते हैं। So let me, okay, so I'll give you a very classic example. आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ पे इंजीनियर्स हैं? How many of your engineers? हैं इंजीनियर्स, ठीक है, ओके। अब आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं चीज, ठीक है ना। Say this is an engineering college, IIT है, NIT है, और टू बी जेंडर न्यूट्रल सो दैट देर इज नो काइंड ऑफ जेंडर बायस विच आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे, देर इज अ निफ्ट, ठीक है ना। हाँ ये पुराना एग्जाम्पल है, काफी दिन हो गए थे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। निफ्ट में लड़कियां ज्यादा होती है कि लड़के ज्यादा होते हैं? निफ्ट में लड़कियां ज्यादा होती है, लड़की ज्यादा होती है, दे आर गर्ल्स आर मोर देन बॉयज, वेर इज इन IITs बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। नाउ not to objectify or anything but just trying to understand a very basic market dynamics, kiski value zyada hoti IITs mein, ladkiyon ki ladkon ki? Ladkiyon ki, because the girls are less. Nift mein value kiski zyada hoti hai? Boys ki, because boys are less. So what we have established is as per market dynamics, ye aap soch pa rahe hoge na, this is something which you can this abhi aap pehle samajh jao, logic samjho, uske baad ye sab apne dimag lagana, theek hai na, okay। सो द मेन थिंग इज दैट जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की कमी होती है मार्केट में, ठीक है, जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की कमी होती है मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इज दिस लॉजिक क्लियर? ये सबको लॉजिक समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो इफ द क्वांटिटी इज लेस, वैल्यू इज मोर, ये बात सबको एस्टैब्लिश हो गई? कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, राइट, कभी भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट दिस एग्जांपल, कभी आप भूलोगे नहीं। दिस एग्जांपल वाज जस्ट टोल्ड सो दैट यू नेवर फॉरगेट दिस कोरिलेशन, नथिंग मोर देन दैट। नाउ लेट्स सी, दिस इज द मार्केट, ये है हमारा मार्केट। मार्केट में से डॉलर्स आर देयर इन द इकॉनमी। अब डॉलर्स अगर बहुत ज्यादा है इकॉनमी में, सो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ डॉलर विल रिड्यूस अगर मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा है, और अगर वैल्यू डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो रुपीज जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो रुपी विल एप्रिशिएट, क्लियर होगी बात? वैसे वर्षा, अगर डॉलर हमारे इंडियन मार्केट से किसी वजह से डॉलर बाहर चले जाएं, डॉलर एकदम उड़ जाएं, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रुपी की वैल्यू घट जाएगी, राइट। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक, यही होता है बेसिक लॉजिक, ठीक है ना। हाँ, हम अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा डॉलर जो हमारा जो वो है करेंसी वैल्यू वुड एप्रिशिएट, ठीक है ना। सो अभी क्या हुआ है, रुपी डिक्लाइंड अगेंस्ट द US करेंसी बिकॉज US की करेंसी बाहर चली गई। हाँ, इसका मतलब यह है कि अब मतलब ऐसी बात भी नहीं है कि डॉलर होना अच्छा है बुरा है, बेसिकली द फंडा इज अच्छा है। इसमें भी पूछता हूँ, कैन वी से दैट डॉलर इकोनॉमी में ज्यादा होना अच्छा है कि डॉलर इकोनॉमी में कम होना अच्छा है? नो, वी कांट एक्चुअली से दैट।
इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि अगर अगर हमारे रुपीज एप्रिशिएट कर गया तो हमारे एक्सपोर्ट की बैंड बच जाएगी, एक्सपोर्ट की बैंड बच जाएगी। अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर गया तो हमारी इंपोर्ट की बैंड बच जाएगी। देखो एक बैलेंस रखना होता है, तभी हम लोग बहुत ज्यादा, अगर मान लो 70 के करीब रखना चाहते हैं, 70-71, वी डोंट वांट इट टू गो टू 80 और योर 76-77, नेदर डू वी वांट टू गो टू 65-60। यू नीड अ बैलेंस, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन एक पर्टिकुलर करेंसी जो है वो ठीक रहती है, उसके ऊपर उसके नीचे हम दोनों दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एक्सपोर्टर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं, सबके इंटरेस्ट मैटर करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ एग्जैक्टली ओके। यूएसए को बैलेंस नहीं करना होता हिमांशी, यूएसए इज यूएसए का फर्क नहीं पड़ता, यूएसए अपनी करेंसी थोड़ा देखता है मेरा एक डॉलर कितने के बराबर है, यूएस इज लाइक मेरा डॉलर डॉलर है, जाओ तुम लोग बाकी लोग देख लो अपना ठीक है, उनकी हार्ड करेंसी होती है, उनको इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना अच्छा ओके कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि एक्सपोर्ट की बैंड बच जाती है अगर रुपी अप्रिशिएट करता है, ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को नहीं पता है। आज हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, चलो कुछ लोगों को नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन दिस, चलिए ठीक है ऑलराइट। सब लेट अस टेक से पार्थ इज आर एक्सपोर्टर, पार्थ हमारे बहुत बड़े एक्सपोर्टर है ठीक है, पार्थ जो है एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, पार्थ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेन्स, पार्ट जो है पेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओके okay, नहीं पेन थोड़ा हम लोग अपना एक्सपोर्ट पेन पे आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो पेन पे आ जाते हैं। नाउ व्हेन पार्ट एक्सपोर्ट्स पेन, तो उसने पेन बाहर भेजे, ये पेन भेजे उसने बाहर, तो उसको पेमेंट कितने में, किस करेंसी में मिली होगी? यस yes? अगर पार्थ ने एक्सपोर्ट किए पेन तो डॉलर में, बिल्कुल यार डॉलर में आपको करेंसी मिली होगी। मान लो कि पार्थ ने $1 का पेन बेचा, ये बात सबको समझ में आएगी, तो पार्थ के पास आज है $1, पार्थ लाइक अरे मेरे पास डॉलर है, आई मेरे पास डॉलर की गंजी है, नहीं डॉलर की गंजी नहीं है, डॉलर रुपी है ठीक है ना ओके। व्हेन डॉलर इज देयर विद पार्थ, अब वो पार्थ गए आरबीआई के पास और आरबीआई से बोला सर मेरे पास $1 है, आप मेरे को कितना रुपए दे सकते हैं? अब हुआ क्या सिचुएशन, अब हम ठीक है ना, सो ओके नाउ अभी कितना मिलेगा, 74.1 रुपीस मिलेगा, ये सबको समझ में आ रही बात। अगर पार्थ अब गए आरबीआई के पास, उसने बोला ये ले लो $1 मुझे पैसा दे दो, तो आरबीआई कहेगा लो ये 74.1 रुपीस। अब मान लो एक्सचेंज रेट ऐसा कुछ हो गया कि ये जो $1 हैज बिकम 70 रुपीस, तो कल को अगर $1 का पार्ट सामान बेचेंगे और जाएंगे आरबीआई के पास तो उनको 74 की बजाय 70 रुपीज मिलेगा, तो क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। तो देख रहे हो व्हेन दी रुपीज एप्रिशिएटेड, व्हेन दी रुपी बिकेम स्ट्रॉन्गर देन डॉलर, पार्ट की तो बैंड बच गई, तो पार्ट इज लाइक अरे कल को मुझे 74 रुपीज मिल रहा था, आज मुझे सिर्फ 70 रुपए मिलेंगे, तो नुकसान हो गया ओके राइट। फर्दर अगर 74 रुपीज से हो गया 80 रुपीज, विच इज डेप्रिसिएशन, इफ 74 रुपीज से हो गया 80 रुपीज में, विच इज डेप्रिसिएशन ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, देन आरबीआई के पास जाकर के पार्थ को फायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा, एंड देयरफॉर द बेसिक लॉजिक इज एक्सपोर्ट्स आर बेनिफिटेड इफ द रुपी डेप्रिशिएट्स, exports are negatively impacted if the rupee appreciates, this is the basic logic, clear hogi baat sabko economics mein yaar economics is something which I really like, chalo abhi to polity le rahe hain plus pe, taking polity on plus, economics bhi lenge kabhi soon mera course aayega वैसे, by the way guys I am announcing right now only, aap logo ko bata de raha hu, 1000 most important topics for UPSC CSE 2021 I would take from say January onwards I'll take that course, 1000 most important topics for UPSC CSE 2021, to maza aayega usme sare subject padhata hu main, I teach all the subjects in that
पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना. वो मैं जनरली प्रीलिम्स से पहले लेता हूँ, टेक दैट बिफोर प्रीलिम्स अबाउट टू दो दो या तीन बैच लेता हूँ कभी कभी. सो आई डू दैट, ठीक है ना. चलिए, टेढ़ी खीर इकोनॉमिक्स. हाँ सही बात है. नहीं बिल्कुल यार, बिल्कुल शिवम. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यूएस जीडीपी ग्रू 33%, रिकवरी इनकम्प्लीट. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. यूएस की इकोनॉमी जो है वो लगभग 33% एनुअल रेट से आपका बढ़ी थी इन दी जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर, बट हैज येट टू फुली रिबाउंड फ्रॉम इट्स प्लंज इन द फर्स्ट हाफ, राइट. एंड सो दिस बेसिकली शोज दैट वहां पे उन्होंने जब आफ्टर दे हैव ओपन द इकॉनमी, आफ्टर दे ओपन द इकॉनमी, देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ द ग्रोथ व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. ये बात सही है, क्लियर होगी, ठीक है ना. नाउ लेट्स टेक अप यस्टरडेज. एक आर्टिकल जो रह गया था, कल एक आर्टिकल रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं. कौन सा एडिटोरियल रह गया था कल? एक एडिटोरियल रह गया था, विच वन वॉज दैट? ये वाला, द चैलेंजेस ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक. इनकाउंटरिंग चाइना, इंडिया मस्ट नो दैट स्ट्रेटेजिक टॉक अलोन कैनॉट ट्रम्प ओवरराइडिंग इकोनॉमिक रियलिटीज, राइट. सो रिसेंट कंक्लूडेड थर्ड एनुअल यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हैज एम्प्लीफाइड the ongoing conversation in India on the Quad and the threat from China. And also there's a debate whether India should ally with US or not. ठीक है ना, ओके. नाउ जो क्वाड है उसकी एग्जिस्टेंस itself has developed over the time. Is it something which has come up all of a sudden? क्या एकदम से नया कुछ निकल के आया क्वाड? नहीं, 2004 से चलता आया था, क्वाड 1.0 आया था, इट फेल्ड, देन फिर से रिसर्जेंस हुआ है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ओके. नाउ द थिंग इज दैट इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है, इंडिया आगे क्या करने वाली इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है. ड्यूरिंग द मिड 2000s द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड इंडिया टू बी एन इकोनॉमिक पावर हाउस. अ डेकेड लेटर दोज एक्सपेक्टेशन रिमेन मॉडेस्ट एट बेस्ट, ठीक है. So, अब यही है, the expectation this time is more strategic and military to lead the charge against China from within the region. And क्या अब question उठता है कि क्या India strategically इन expectation को fulfill कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. So, the thing is that the Indo-Pacific is a grand politico-economic vision where Quad is a forum for strategic and military consultations among India, US, Japan and Australia, ठीक है. Now, the thing is that इनके जो आइडियाज हैं वो काफी चीजें सेपरेट भी हैं, बट बहुत सारी चीजों पे इंटरलिंक्ड है. व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन क्वाड कंट्रीज, कैन यू गाइस थिंक समथिंग, क्या क्या इनकी सिमिलरिटीज हैं? बिल्कुल, फर्स्ट थिंग इज दैट चाइना इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ देम. बिल्कुल, और बताइए व्हाट इज इससे चाइना ही थोड़ी ना, सब डेमोक्रेसीज हैं. All four of them are democracies. All four of them are around the Indo-Pacific region. And all four of them have a common thing that they want the security of trade and transport in this region. Hai na? So they have a common interest ki bhai, jo Quad ke members hai, mil karke in region ke aapke safety rakhe aur trade ko badhaye. तो अब इशू ये है, बट ये सेफ्टी है, ये जो भी है, इन सब का प्राइम फोकस क्या है? चाइना ही है. सो इफ यू, सो एज पर दिस आर्टिकल, इफ यू टेक चाइना आउट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, चाइना आउट ऑफ द इक्वेशन, दे वुड हैव लिटिल रैशनल फॉर एग्जिस्टेंस. अब एक चीज, एक और इंटरेस्टिंग है, इन्हें एक चीज और बोली है, इंडो पैसिफिक जो एरिया है एंड क्वाड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना.
फर्स्ट इज अ वॉट इज इंडो पैसिफिक, इट्स अ पॉलिटिको इकोनॉमिक विजन एंड द सेकेंड वन इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक विजन. इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. वेन वी टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक, वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटर रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब ट्रेड वगैरह. बट वेन यू टॉक अबाउट क्वाड, ठीक है, ओके, राइट, सो जो क्वाड है, राइट, जो क्वाड है वो उस वो आपका मिलिट्री एंगल को भी लेकर के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मलाबार एक्सरसाइज. समझ में आया आपको बात ये, ठीक है ना. सो क्वाड जब हम बात करते हैं, वी ऑल्सो हैव द नोशन ऑफ द अलायंस बिटवीन द मिलिट्रीज, अलायंस बिटवीन द वेरियस आर्मीज ऑफ द फोर कंट्रीज. जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इट्स मोर टू डू विद द पॉलिटिक्स एंड योर इकोनॉमिक विजन, ठीक है ना. वेल द इंडो पैसिफिक प्रोवाइड अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक पिक्चर, राइट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइनाज राइज ऑल्सो. क्वाड इज इनहेरेंटली मोर एंटी चाइना इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ठीक है ना, मिलिट्री उसके अगेंस्ट में. इवन द क्वाड स्टिल इन इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्फेंसी इज मोर फोकस ऑन डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग एंड विद लिटिल कॉमन इंटेंट लेट अलोन जॉइंट एक्शन, ठीक है. सो जो इनने लिखा है, इन्हें बेसिकली ये बोलने की कोशिश करी है कि क्वाड जो है अभी भी पूरी तरह से फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा है. वी स्टिल डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ यू नो अप्रोच क्वाड विल टेक इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग चाइना, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडो चाइना, ठीक है ना. सो क्वाड एबिलिटी टू सक्सीड विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन चाइना. समझ पा रहे हो क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. मोर एग्रेसिव चाइना गेट्स, मोर रिजोल्यूट क्वाड कंट्रीज वुड बी इन स्ट्रेंथनिंग इट. समझ पा रहे हो, अगर मान लो कल चाइना को आगे कहते हैं अरे आजा यार भाई, यार तू अपना इंडिया तू भाई, यार यूएस तू भाई अपना, चल लेट्स 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 यू नो कॉल इट ट्रूस, लेट्स लेट्स गेट बैक टू दे विल बी लाइक व्हाट व्हाट क्वाड, अपने अपने चलो रास्ते चलो, ठीक है ना. सो द मेन थिंग इज दैट जब तक चाइना एंटागोनिस्टिक है, ये क्वाड आपके साथ में रहेंगे. एंड दिस ऑल्सो शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज दैट इन टर्म्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, there are no permanent enemies and permanent and permanent friends. What is permanent is national interest, isn't it or not. samajh gaye aap log, right, ki bhai jab tak china hai aapka dushman dikh raha hai to aap saath mein ho, nahi hai to fir koi saath mein rehne ki koi zarurat bhi nahi padegi, theek hai na. okay, Now the thing is that अब क्वेश्चन ये रेज करता है कि इंडिया का जो इंडो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वो कैसे आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है. फॉर द पॉलिटिको इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट विच इज इंडो पैसिफिक टू सर्वाइव, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड लिंकेजेस अमंग इट्स मेंबर. अब बात क्या होगी, क्या क्वाड के बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड बढ़ाना, FTAs वगैरह करने के बारे में बहुत सोचते हैं क्या. आंसर इज नो. हम लोग क्वाड में ज्यादा किस पे ध्यान दे रहे हैं, वे फोकसिंग मोर ऑन मिलिट्री. आ जाओ मलाबार एक्सरसाइज कर लेते हैं, अरे साउथ चाइना सी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं खराब होना चाहिए. द मेन थिंग इज मेयरली फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक टॉक एंड पॉसिबल मिलिट्री कोऑपरेशन विल नॉट वर्क बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक लॉजिक तो लेना ही पड़ेगा भाई आपको. अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी पुट इन द कोल्ड स्टोरेज. एंड इकोनॉमिक उसमें क्या इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया में क्या दुश्मनी नहीं है, मैं दुश्मनी इन द सेंस आर दे ऑल वेरी अरे आजा भाई अपना ट्रेड मारते हैं बल ढंग से, नहीं. इंडिया को डर लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट आकर के हमारे डेयरी प्रोडक्ट को खत्म ना कर दें, राइट. यूएस को डर लगता है इंडिया का माल यूएस में ज्यादा ना बिक जाए, राइट. यूएस को डर लगता है इंडिया में ज्यादा सब्सिडी दी जाती है. यूएस को डर लगता है कि इंडिया में टैक्स ज्यादा करा जाते हैं उनके हार्ले डेविडसन को. समझ पाए बात अब आप इसकी बात कि अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उठा देंगे तो इन इन चारों कंट्री में काफी मतभेद हैं ऑलरेडी. देयर आर लॉट ऑफ एरियाज इन विच देयर आर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज एंड देयरफॉर द क्वाड इज कंसंट्रेटिंग ऑन वन मोर ऐसे हार्ले डेविडसन. नहीं चल भाई अपन 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 चाइना को साथ में के खिलाफ लड़ते हैं. सो इकोनॉमिक में ये लोग टिक नहीं पाएंगे ढंग से. शिवम यार मुझे नहीं पता यार, प्लस पे कोई होगा आप देख सकते हो, विनीता मलिक मैम है शायद जो लेती हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. तो इकोनॉमिक में बहुत सारे
देर आर अ लॉट ऑफ, उनको क्या कहते हैं आपका, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, फॉल्ट लाइन्स. देर आर लॉट ऑफ फॉल्ट लाइन्स इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वाइल मिलिट्रीली दे आर देयरफॉर एबल टू सस्टेन देमसेल्फ अंडर द क्वाड. ठीक है ना. तो इंडिया ने आरसीपी साइन नहीं किया है, राइट? इंडिया ने आरसीपी क्यों साइन नहीं किया बताइए. हाँ, बहुत होती है, अराउंड 1/3 ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड हैपेंस वाया द मलाका स्ट्रेट इटसेल्फ. हाँ, तो चाइना तो एक था, बट चाइना ज्यादा ये भी था, चाइना ज्यादा नहीं, चाइना तो एक था, बट देयर वाज आल्सो डेटा लोकलाइजेशन इशू, ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया से आपका इशू था. देन इशू ये भी था कि भाई आपका कहीं हम लोग के प्रोडक्ट जो हैं वो सर्विस में ढंग से, सर्विस सेक्टर में एफटीए ना हो पाए ढंग से, राइट? हाँ, सो ये सब चीजें रीजंस थी. सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फॉल्ट लाइंस, जिसका एग्जांपल ये था कि हमने इन इन चार कंट्रीज में से जो क्वाड के अंदर हैं, दो कंट्रीज मतलब दैट इज यूएस, सॉरी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, वो आरसीपी में है, तब भी हमने उसको ज्वाइन नहीं किया. अब बात ये है, इन द केस ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एफटीए विद ऑस्ट्रेलिया, नाइदर डज इट हैव विद न्यूजीलैंड, यूएस, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, राइट? इट हैज एफटीए विद साउथ कोरिया, आसियान, जापान एंड श्रीलंका, बट चाइना हैज एफटीए विद ऑल दीज कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस. यूएस और चाइना का एफटीए नहीं है, बाकी सबके साथ एफटीए है. ठीक है ना. सो द थिंग इज दैट स्ट्रेटेजिक रियालिटीज को अगर हमें शेप करना है लॉन्ग रन में, तो वी कांट नेग्लेक्ट द इकोनॉमिक इंटर रिलेशनशिप. और सिर्फ स्ट्रेटेजिक टॉक्स अलोन कैनॉट ट्रम्प इकोनॉमिक रियालिटीज. दिस इज द ए बड़ा अच्छा, ये अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग याद वो है ये. इजंट इट नॉट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, ये आप यूज कर सकते हो मेन आंसर में. स्ट्रेटेजिक टॉक्स कैनॉट ट्रम्प इकोनॉमिक रियालिटीज, है ना. स्ट्रेटेजिक टॉक्स अलोन मतलब क्या हुआ इसका बताओ, कैन नॉट ट्रंप इकोनॉमिक रियलिटीज. पहली बात कि किसी बात मिलिट्री में साथ में रह करके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज वन एस्पेक्ट. एंड सेकेंडली कि हमारे जो जिनके साथ मिलिट्रीली इस समय साथ होते दिख रहे हैं, उनके साथ हमारे कुछ कुछ मतभेद हैं इकोनॉमिकली, समझ पा रहे हो इशू. एंड देयरफॉर अकेले अकेले क्वाड पे ध्यान देकर के अगर आप इंडो पैसिफिक को नेग्लेक्ट कर दोगे, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं रहेगा. चलो भाई, सो इंडियाज रोल इन द इंडो पैसिफिक विल रिमेन लिमिटेड इफ इट डज नॉट प्रूव टू बी मेजर इकोनॉमिक पार्टनर टू दी स्टेट्स. ओके, एंड इसमें चाइना इकोनॉमिकली एक तरह से सबको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है. ठीक है ना. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप कितना भी कह लो, बताओ चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे माले हो, वो लोन सबसे ज्यादा कहां से ले रहे हैं? चाहे कितना आप क्वाड कर लो, चाइना से ले रहे हैं. तो चाइना इज एबल टू इन्फ्लुएंस देम डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ मिलिट्री अलायंस विद एवरीवन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये था पूरा आर्टिकल, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. तो कल का आर्टिकल हमारा खत्म हुआ फाइनली, आज का एक एडिटोरियल कर लेते हैं, लेट्स डू वन एडिटोरियल फ्रॉम टुडे. तो एक ही बचेगा, वो हम लोग कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. गैप्स इन लर्निंग, हाँ वही दिक्कत होगी, फिर नेबर्स भी चाइना के खिलाफ नहीं होंगे अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनसे इंटीग्रेटेड रहेंगे. तो देखो, इंडिया ऑल्सो हैज टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक फुटप्रिंट, एफटीएस बढ़ाने की जरूरत है, वी हैव टू हैव मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब आते हैं गैप्स इन लर्निंग. तो स्टूडेंट कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पेंडेमिक इफ दे गेट टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज. या ये तो हम कर चुके हैं. हाँ नहीं, ओके नहीं, ओके. सो ये आपका असर रिपोर्ट आई है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, राइट? सो इट हैज बेसिकली सेड दैट आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कल हमने इसका डेटा देखा था, दैट 1/3 ऑफ कितना, 20% ऑफ द पीपल डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स. ठीक है ना.
सिमिलर एडिटोरियल केम यस्टरडे भाई, इसलिए सिमिलर टॉपिक आया था कल। तो हमने बात की थी 20% ऑफ दैट 1 in 10, ठीक है ना, 1 in 10 स्टूडेंट डोंट हैव बुक्स। सो वही दिक्कत ये हो रही है, स्टूडेंट इन रूरल एरिया हैव रिसीव्ड ओनली मार्जिनल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटीरियल फ्रॉम टीचर्स एंड हैव हैड टू रिलाई मोर ऑन पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स टू स्टडी एट होम। सही बात है, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं या आपके भाई बहन पढ़ा रहे हैं, दैट्स अ हाँ ओके। सो असर रिपोर्ट कवर 26 स्टेट्स एंड 4 टेरिटरीज हैज कम अप विद अ फाइंडिंग एंड हैज शोन दैट प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इस समय इंटरनेट एक्सेस सबके पास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस सब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनफैक्ट बुक्स का एक्सेस बहुत लोगों के पास नहीं है, ठीक है। नाउ इट्स अ बिग कंसर्न एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ बिग डिजिटल डिवाइड विच इज देयर। सर्वे फाउंड आउट दैट 43% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स हैड नो एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, 63% हु लर्नड यू नो हु रिसीव लर्निंग मटीरियल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस गॉट देम ओवर व्हाट्सएप एंड देयरफॉर द रोल इज देयर अबाउट योर ऑफ द गैजेट्स एंड योर कनेक्टिविटी एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू इंक्रीज दीज गैजेट्स एंड कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, कंप्यूटर एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है, मोबाइल फोन एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है। सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये है आपके गैप्स इन द लर्निंग। सो वही है, ब्रिजिंग द डिवाइड ऑन एजुकेशन एड्स नाउ इंक्लूडिंग स्मार्टफोन विल इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग मटीरियल एंड पर्सनल ट्यूटोरियल सेशंस। ओके सो यही है आपका, दैट द मेन प्रॉब्लम इज दैट इस समय जो मोड की तरीके जिस मोड के माध्यम से दैट इज ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जो आप प्रोवाइड कर पा रहे हो उस वो अगर इफेक्टिव होना है तो यू नीड टू प्रोवाइड द मोबाइल फोन्स। जैसे कि मतलब मैं जितना भी कह लें, बताइए अनअकैडमी का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट डज अनअकैडमी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन। अनअकैडमी सक्सेस टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सेस टू मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स टू द लर्नर्स, राइट। जितना टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन होगा उतना अनअकैडमी प्रॉस्पर करेगा, फॉर इंस्टेंस, क्योंकि भाई जिनके पास नहीं है वो आप क्या कर लो, इतना अच्छा आपका अगर हम क्लासेस प्रोवाइड कर भी रहे हैं बट इफ इट इज नॉट एक्सेसिबल देन इट्स यू नो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो वही है कि एजुकेशनल वीडियोस विच हैव हेल्प थाउजेंड्स कैन एडवांस लर्निंग इवन बियॉन्ड द पेंडेमिक यूजिंग टैलेंटेड टीचर कम्युनिकेशन, बट वही है द मेन ऑफ द थिंग इज दैट देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड इट टू द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल पे प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, लास्ट लेवल पे एक्सेस प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, विच इज अ बिग इशू। चलिए आज इतना ही करते हैं, एक आर्टिकल रह गया, वन आर्टिकल इज रिमेनिंग, आई थिंक कपल ऑफ आर्टिकल्स आर रिमेनिंग, छोटे आर्टिकल्स हैं, एक है द इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप इज डीपनिंग एंड दूसरा है लेस पोल्यूशन मोर सॉइल फर्टिलिटी, इसको कल करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन, आई होप आपको मजा आया हो, ऑलराइट एंड सी यू गाइस टुमारो, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम 11 o'clock, राइट। FTA से सबको फायदा होता है बिकॉज बोथ ऑफ द कंट्रीज आर रिड्यूसिंग दी